नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो के अंदर। और आज हम आपके लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो लेकर आए हैं, तो अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कल हमने जो सेवा नियम पढ़े उसके अंदर हमने एक सेवा नियम पढ़ा था 7 नंबर अध्याय 2 के अंदर, और 7 नंबर के उपभाग 2 के अंदर हमने एक परिभाषा, क्योंकि नियम 7 के अंदर परिभाषाएं दी हुई है राजस्थान सर्विस रूल में, और उस 7 नंबर नियम के 2 नंबर भाग में हमने पढ़ा था शिक्षार्थी अपेंटिस, ठीक है, अब शिक्षार्थी पढ़ा था। तो ये भर्ती जो है वो शिक्षार्थियों के लिए ही है, यानी ये भर्ती आई है आपकी नेशनल इंश्योरेंस के अंदर, और ये भर्ती जो है वो स्थायी भर्ती नहीं है, अस्थायी पदों पर भर्ती है, यानी वो पहले आपको 2 साल के लिए ले रहे हैं एज ए शिक्षार्थी। अगर उन्हें आपका काम पसंद आता है, आपके काम से वो संतुष्ट होते हैं, तो फिर आपको वो 2 साल बाद स्थायी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस फॉर्म के आवेदन के लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हमें सैलरी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं। देखिए, इस भर्ती को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक जो है वो शिक्षार्थी के रूप में भर्ती है, अपेंटिस के रूप में भर्ती है ये, और अकाउंटेंट की है, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे कि कोई अकाउंटेंट की भर्ती हो तो आप हमें बताना। तो 150 पदों पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट आई हुई है। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसके लिए वो शुरू हो जाएगा 13 नवंबर 2018 से, और लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की 27 नवंबर 2018, और पेमेंट जो है वो आप 13 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में ही कर सकते हैं। और एग्ज़ाम जो आपका होगा वो या तो दिसंबर में या फिर जनवरी में होगा, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, दिसंबर जनवरी जनवरी तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और डाउनलोड कॉल लेटर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपके जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी इसके अंदर सूचना है पोस्टों के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो टोटल पोस्ट जो है वो 150 है, जिसमें से जनरल के लिए 87 पोस्ट है, एससी के लिए 32 पोस्ट है, एसटी के लिए 9 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 22 पोस्ट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 पोस्ट हैं, यानी जो विकलांग है उनके लिए 3 पोस्टें ही इसके अंदर दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे नीचे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो पोस्टें हैं वो अलग अलग स्टेट में है, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 9 पोस्टें हैं, फिर असम नॉर्थ ईस्ट में 5 पोस्टें हैं, बिहार में 10 पोस्टें हैं, गुजरात में, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान के अंदर आपकी जो है वो ये राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर आपकी जो है वो 8 पोस्ट है इसके अंदर दी हुई है। आप चाहें तो दूसरे स्टेट से भी भर सकते हैं, जहां आपको उचित लगता है वहां भर सकते हैं, आप चाहें तो केवल राजस्थान के लिए भर सकते हैं। तो जैसा आप उचित समझे वैसे आप जो है वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टोटल पोस्ट आपकी रहेगी 150, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। आपको नेशनल जो आपकी नागरिकता है वो इंडिया की होनी चाहिए, पहली बात तो यही है इसमें, और इसमें लिखा है आपको जो है 2 साल के लिए लिया जा रहा है। इसमें आपका जो नेशनल अपेंटिस एक्ट 1961 है उस नियम के तहत 2 साल के लिए आपको लिया जाएगा, यानी 24 महीने आप रहेंगे। अगर आपकी काम से अगर कंपनी संतुष्ट होती है तो आपको आगे कंटिन्यू यानी स्थायी रख दिया जाएगा, आपको एक पदभार दे दिया जाएगा, जिस प्रकार के हमने सेवा नियम में पढ़ा था कि, और सेवा नियम में हमने ये पढ़ा था कि भाई जो शिक्षार्थी होता है उसे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसमें, और अगर आपके काम से संतुष्ट होते हैं तो आपको वो स्थायी तौर पर भी रख सकते हैं। 1 साल तक आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे मेडिकल कवरेज के साथ, ठीक है, और दूसरे साल आपको जो है वो 30,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, वो भी मेडिकल कवरेज के साथ। चूँकि नियम है कि जो शिक्षार्थी होता है, जो अपेंटिस होता है, उसे 34,000 से ज़्यादा रुपए जो है वो सॉरी 30,000 रुपये आपको जो है वो दूसरे साल के लिए दिया जाएगा
और इसमें आपको जो है 2 साल तक अस्थायी रहेंगे, आप स्थायी नहीं हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 2 साल के बाद आप जो है वो, अगर कंपनी आपके काम से संतुष्ट होती है तो आपको जो है वो स्थायी कर सकती है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी। ये सारी आपके जो क्वालिफिकेशन है वो 1/11/2018 तक पूर्ण होनी चाहिए, यानी नवंबर तक आपकी पूर्ण हो गई है तो ही आप जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहली तो ये है कि ए कैंडिडेट मस्ट पास द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन की हो और आपके अगर जनरल में हैं और ओबीसी में हैं तो आपके जो है वो 60% मार्क होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपकी कॉमर्स से हो और 60% मार्क से साथ होने चाहिए, यानी 60% आपके होने चाहिए, और अगर आप SC ST से हो तो 55% से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पहली तो ये होगी। इसी प्रकार दूसरी भी इसके अंदर दी है, मच बी क्वालिफाइड द चार्टेड अकाउंटेंट हैं आप तो भी भर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन इसमें और भी दी हुई है लेकिन मेन क्वालिफिकेशन आपकी ICWAI है तब भी आप कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया से, लेकिन ये ही मेन है आपके। अगर ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा है तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर MBA हैं फाइनेंस से तो भी आप जो है वो भर सकते हैं UGC के अंदर, अगर आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने MBA किया है तो भर सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री कॉमर्स UGC 60% होनी चाहिए आपको, ये तो लिखी है, बाकी सबके लिए 55% है, यानी 2 बातें मोस्ट है, कॉमर्स वाले ही भर सकते हैं, 60% होने ज़रूरी है OBC और जनरल के लिए, बाकी के लिए 55% से काम चल जाएगा, ठीक है। सीधी सीधी तो बात यही है। अब देखिए इसमें जो है वो एज जो छूट दी गई है SC ST के लिए 5 साल है, ये सारी आपको पता ही, आप ध्यान से इसको पढ़ लेना। वैसे मैंने ये सारी डिटेल जो है ग्रुप में डाल दी है। पेपर के अंदर क्या रहेगा देख लेते हैं, किस प्रकार आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आएंगे आपके 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के आएंगे। जो मीडियम है वो आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं जैसा आप उचित समझे। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे आपके 40 और 40 नंबर के ही होंगे और इंग्लिश में आएंगे ये तो। और जनरल एप्टीट्यूड आएगा आपका 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज आएगा 20 नंबर के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग आएंगे 20 नंबर के 20 क्वेश्चन। टोटल आपके हो गए 200 नंबर। तो इसमें मेन जो है वो 100 नंबर के आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप सब कॉमर्स से हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी जनरल जो सब्जेक्ट है बाकी आप सबकी तैयारी करते ही रहते हैं तो तैयारी करने वाला इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं, तो आप ज़रूर ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। और बाकी जो महत्वपूर्ण डिटेल है वो तो मैंने आपको सारी बता दी। अब सेंटर आप कहाँ कहाँ से भर सकते हैं और क्या फ़ीस है, देखिए SC ST और जो विकलांग हैं उनके लिए 100 रुपये हैं और बाकी सब जो हैं वो ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST एंड PhD, यानी SC ST PhD यानी जो SC और ST और विकलांग हैं उनके लिए 100 रुपये और बाकी सब के लिए 600 रुपये का चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर जो आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो ये सिटीज़ दी हुई हैं जिनके अंदर आपको सेंटर मिल सकते हैं आंध्र प्रदेश के, असम के। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो देखिए राजस्थान में सेंटर जो है वो दिया हुआ है जयपुर जोधपुर और बीकानेर, तो इन तीनों जगह में से कहीं पर भी आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप जिस स्टेट में जहाँ आपको सही लगे वहाँ आप जो है वो इसको जो है वो अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। तो ये पूरी भर्ती है आपकी और बस इसमें यही है। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं और कोई भी आपको इसके बारे में पूछना हो तो आप कॉल कर सकते हैं। तो देख लीजिए आपको अगर अकाउंटिंग की पोस्ट पे भरना है, देखिए पोस्ट ऐसी है 2 साल के बाद अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपको स्थायी किया जाएगा वरना आपको स्थायी नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये शिक्षार्थी के रूप में आपको ले रहे हैं, आप सीखेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको स्थायी भी नहीं करते हैं तो भी आपको जो अनुभव सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो भी बहुत सारी वैकेंसी के अंदर आपको जो है वो कारगर होगा, सहयोगी होगा आपके, और आपका एक जो है वो अनुभव प्रमाण पत्र उसमें मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से ही फायदा है, बाकी तो 100% जिनको लेते हैं ये स्थायी कर देते हैं, इसकी कोई बात है नहीं। तो देखिए आप नेशनल इंश्योरेंस में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो, और बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।
और बने रहिए। थैंक